नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अगले वीडियो में सीखा था क्या कि पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या का अभ्यास किया था, उसी तरह हम धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जाते हैं और आज हम किस में आ गए, जोड़ और घटाव का अभ्यास कराऊंगा। तो सबसे पहले आज हमने शुरुआत किससे करेंगे, जोड़ से करेंगे। जोड़ मतलब होता क्या बेटा, सबको इजीली पता ही होगा कि 2+2 मतलब 4, तो टोटल करना यानी जोड़। जैसे कि मेरे पास समझो कि एक पेंसिल है और दूसरे हाथ में दो पेंसिल है, तो एक और दो कितना हुआ, तो हम गिन लेंगे कि सर पहले हाथ में एक पेंसिल है और दूसरे हाथ में दो पेंसिल है, मतलब 1, 2 और 3, तो उत्तर कितना आना चाहिए, 3। माना कि चलो कि आज तुम्हारे पास बच्चों मम्मी ने 4 चॉकलेट दे दी और पापा के द्वारा 2 और चॉकलेट रात को हमें दी गई, तो कुल चॉकलेट कितनी हुई, तो मम्मी के द्वारा दी गई चॉकलेट कितनी, 4, और पापा के द्वारा दी गई चॉकलेट 2, यानी 4 और 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आया बच्चों समझ में, उसी तरह हम आगे अभ्यास करते हुए जाते हैं। चलो पहली बात तो ये कि जोड़ में हम करेंगे तो हम इसका अभ्यास उस तरह से भी कर सकते हैं, लाइन खींच कर उंगली पे गिन कर, पर आज मैं कौन सी तरीके से सिखाऊंगा, अभी तो लाइन खींच कर आया बेटा समझ में। फिर उंगली पे गिन कर सीखना है वो तो हम धीरे 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 बाद में भी सीखते जाएंगे। चलो मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। ये कितना लिखा हुआ बच्चों, जैसे 2, ये कितना लिखा हुआ 1। पहली बात इसमें एक ये और के अब आज मुझे पता है, आज तुम्हें पता है कि सर इसे जोड़ बोलते हैं, पर कभी समझो कि हमें सूचना पढ़नी आती है या सूचना पढ़ने में तकलीफ होती है, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये हमारी जोड़ है, मतलब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया होगा, प्लस का चिन्ह दिया होगा, किसका चिन्ह दिया होगा, प्लस का। जहां पे भी प्लस का चिन्ह दिखे मतलब हमें समझ ही जाना है कि ये जोड़ वाले प्रश्न है, मतलब यहाँ जोड़ वाले प्रश्न को हमें हल करना है, समझे। चलो ये कितना लिखा हुआ बच्चों, 2, 2 और 1। तो मैंने कैसे समझाया अभी तुम्हें कि हम इसका अभ्यास उंगली पे, उंगली के द्वारा भी हम कर सकते हैं, बोर्ड पे हम लाइन खींच के भी कर सकते हैं, पर हमें अभी इस वीडियो में तो हम लाइन के द्वारा ही सीखेंगे। फिर धीरे 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 जैसे हमें थोड़ा बहुत इसका अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट इसका सिखाऊंगा। जैसे ये कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे कितनी लाइन करेंगे, 1, 2। ये कितना लिखा हुआ है, तो सर 1 कर दी हमने लाइन, अब उसको काउंट मतलब गिनना है, 1, 2, 3। गिनने पे कितना आया सर, तो 3 आया, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3। ये कितना लिखा बच्चों, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये कितना लिखा है, तो सर 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमने लाइन खींच दी, अब मैंने पहले ही बताया कि जोड़ में हम किस तरह करेंगे, ऊपर की और नीचे की दोनों संख्या को जोड़ के करेंगे। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना उत्तर आया, तो सर 9 लिख दिया। उसके बाद ये कितना लिखा है, तो 6, तो लिखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितना लिखा यहाँ पे, तो सर 3, 1, 2, 3 लिख दिया। अब इसको जोड़ देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसी तरह से हमें आगे भी ये सारे प्रश्न इसी तरह हल करते जाना है। जैसे 9+5 मतलब 9+5 किस तरह जोड़ करके हम दे देते, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लाइन खींच के कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, 9+4 यानी सर कितना हुआ, 14 दो सर, 14 समझ गए। मैं किस तरह करना है, इस तरह लाइन खींच के हल करते हुए जाना है, ठीक है। 4 और 4 सर, 4 और 4 हम उंगली पे भी गिनना तो गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब हमें कौन सी मेथड सरल लगती है, जैसे ये लाइन वाली लगती है, तो हम लाइन के खींच के भी हम प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। 3 और 9, 12, 7 और 7, 7+7 सर 14, 9+6 तो हम लाइन करके भी कर सकते हैं, मैंने बताया जैसे उंगली पे गिनना है तो ऐसे भी गिन सकते हैं, ठीक है। चलो लाइन करके कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके नीचे कितना लिखा बच्चों, तो सर 6 लिखा है, तो लाइन कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
लिख दिया बेटा, अब गिन लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 लिख दिया। चलो आज हमने क्या सीखा कि जोड़ किस तरह की जाती है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिए थे कि माना कि मेरे हाथ में 2 आम है और इस हाथ में 1 आम है, मतलब 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, तो गिन के देख लेंगे सर, 1, 2, 3, तो कुल कितना हुआ 3। आया समझ में? आज के वीडियो में हमने यही सीखा है जोड़। अब अगले वीडियो में हम धीरे धीरे 2 संख्या वाली जोड़ भी सिखाऊंगा, फिर 3 संख्या वाली जोड़ भी सीखेंगे, उसके बाद आशीर्वाद वाली जोड़ भी आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।